अगर आप दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी यूनिवर्सिटी में है, चाहे आप DTU में है, NSIT में है, IGDTU में है, IP यूनिवर्सिटी में है, या दिल्ली गवर्नमेंट की किसी भी यूनिवर्सिटी में है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। ऑल ईयर स्टूडेंट, चाहे आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, या अपने कॉलेज के किसी भी ईयर में है, यू कैन अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप। एंड हाय यार, दिस स्कॉलरशिप स्कीम इज वैलिड फॉर ऑल द कोर्सेज इन द यूनिवर्सिटीज दैट आई मेंशनड। एंड दिस स्कॉलरशिप स्कीम इज ऑल्सो वैलिड फॉर आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट। वीडियो के बीच में आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यार पिछली बारी बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के बारे में पता ही नहीं लग पाया, जिसके कारण वो स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर पाए। जब उन्हें पता लगा तब काफ़ी देर हो गई थी। कुछ स्टूडेंट्स के तो डॉक्यूमेंट ही रेडी नहीं हो पाए, या जिनके डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हो गए थे उनके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की डेट निकल गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। सो इफ यू वॉन्ट आपके साथ ऐसा ना हो तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरिट कम मींस फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के बारे में बताऊंगा, क्या ये स्कॉलरशिप स्कीम है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। अरे टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। तो कुल मिला के आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा। तो यार अब आपका भी फर्ज बनता है, इतने इंट्रो प्ले हो रहा है, इतने वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं करा है, एंड ऑल्सो टर्न द बेल नोटिफिकेशंस ऑन, ताकि आपसे आने वाले टाइम में ऐसी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आई एम रोहन गोयल, अ सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस अंडर ग्रेड। वेलकम टू द चैनल इन्फो ग्रोज। सो बेसिकली मेरिट कम मींस लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम इज अ स्कॉलरशिप स्कीम प्रोवाइडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट टू द स्टूडेंट हु आर परस्यूइंग देयर हायर एजुकेशन इन दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटीज। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेरिटोरियस एंड नीडी स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड है। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड है वो है अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, IIIT दिल्ली, IGDTU, DTU, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी, एंड ऑल द इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेजेस जो कि IP यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वो चाहे आपका महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, या महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ हो, या IP का कोई भी कॉलेज हो, सारे स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर आते हैं। और हाँ यार, वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स और चीज़ें बताऊंगा जो कि PDF में नहीं लिखी हैं, जो मुझे सूत्रों से पता लगी हैं या मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी परसेंटेज रिलैक्सेशन मिलेगी ट्यूशन फीस में। सो द फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दैट कि आपको दिल्ली पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज के किसी भी प्रोग्राम में एनरोल होना चाहिए, एंड आपके प्रीवियस ईयर में मोर देन 60% मार्क्स होने चाहिए। अब प्रीवियस ईयर में मतलब कैसे, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके क्लास 12th में 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप सेकेंड ईयर में आए हैं तो आपके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों को कंबाइन करके मोर देन 60% मार्क्स होने चाहिए, एंड द सेम थिंग गोज फॉर रिस्पेक्टिव ईयर्स। और हाँ यार, अगर आप SC और ST स्टूडेंट है तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा मार्क्स में। तो अब बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल कैटेगरी की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको आपकी फाइनेंशियल कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलेगी स्कॉलरशिप। तो अगर आप कैटेगरी 1 में हैं, बेसिकली कैटेगरी 1 में वो आएंगे जो कि बेनिफिशियरी हैं अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के। तो मतलब बेसिकली अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप कैटेगरी 1 में आ सकते हैं, तो इसमें आपको पूरी 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी फीस पर। अब बात करते हैं उनकी जो कैटेगरी 2 में आते हैं। कैटेगरी 2 में वो आते हैं जो कि कैटेगरी 1 में नहीं है ऑब्वियसली, और उनकी जो फैमिली एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख पर एनम से कम है, और इसमें आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब कैटेगरी 3 के बारे में बात कर लेते हैं। और कैटेगरी 3 में वो आते हैं जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख से तो ज़्यादा है लेकिन 6 लाख से कम है, और इसमें आपको 25% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब यार कुछ कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इफ़ यू फुलफिल दीज कंडीशंस देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप।
तो जो सबसे पहली कंडीशन है वो है द स्टूडेंट शुड नॉट हैव बीन अवेलिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द मीटिंग द कॉस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी अंडर एनी अदर स्कीम ऑफ एनी अदर एजेंसी या फिर गवर्नमेंट। मतलब आपने गवर्नमेंट की तरफ से या फिर और किसी भी एजेंसी की तरफ से कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम नहीं ली होनी चाहिए इस कोर्स की फीस को पूरा करने के लिए। अब जो सेकंड कंडीशन है वो है बैक के बारे में। आपकी किसी भी कोर्स में किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बैक हुई तो आप आगे स्कॉलरशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब यार आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स की मेन क्वेरी होती है कि वो स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर है कि अगर आप दिल्ली के रेजिडेंट हैं लेकिन अगर आपने 10th और 12th दिल्ली के बाहर से किया है देन यू कैन अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप। फॉर श्योर यू कैन अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप। लेकिन अगर आप रेजिडेंट दिल्ली के नहीं हैं तो इसके लिए इन्होंने वेबसाइट पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है। सो फॉर दिस यू कैन कॉन्टैक्ट योर कॉलेज अथॉरिटीज और नोडल ऑफिसर ऑफ योर कॉलेज। सो अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले हम उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि सब कैटेगरी के स्टूडेंट्स को चाहिए। चाहे आपको 100% स्कॉलरशिप मिले, चाहे आपको 50% मिले, चाहे आपको 25% मिले। तो आपको चाहिए सबसे पहले मार्कशीट की कॉपी, अपनी 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट की कॉपी। एंड सेकेंड, आप अगर SC या SC स्टूडेंट है तो आपको अपना सर्टिफिकेट चाहिए। और थर्ड जो थिंग है वो आपको चाहिए पासबुक या फिर ई स्टेटमेंट, और वो अपने बैंक अकाउंट की होनी चाहिए, स्टूडेंट बैंक अकाउंट की। यूँ नहीं कि आपके फादर या मदर का बैंक अकाउंट है तो आप उसकी दे दें, आपके अपने बैंक अकाउंट की होनी चाहिए। फोर्थ, अगर आप फर्स्ट ईयर में नहीं हैं, सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में हैं तो आपके सारे प्रीवियस ईयर की मार्कशीट चाहिए। एंड फिफ्थ पर आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए जिसमें ये लिखा होगा कि आपने इस साल इस कोर्स में कोई भी और स्कॉलरशिप अवेल नहीं की है। और देखो यार, ये फॉर्मेट जो है डिक्लेरेशन फॉर्म का ये है, आप सेम टू सेम फॉर्म का प्रिंट आउट करा सकते हैं, देन आप उसे फिल करके सबमिट कर सकते हैं। इस फॉर्म का लिंक, PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेक श्योर यू चेक इट आउट। इस फॉर्म में आपको नीचे अपने दो नेबर्स के नाम और उनके एड्रेस और साइन करवा के भी फिल करने हैं। तो यार अब बात करते हैं कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो सब कैटेगरी के स्टूडेंट्स को देने हैं। अब खाली उनके लिए जो कि 100% स्कॉलरशिप अवेल करने वाले हैं, तो उनको चाहिए अपना राशन कार्ड। राशन कार्ड उन्हें अपना सबमिट करना है। और जो 50% स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें चाहिए एनुअल फैमिली सर्टिफिकेट जो कि इश्यूड बाय हो SDM या फिर वैसी अथॉरिटी के थ्रू। यार इस चीज़ में देखो टाइम लगता है बनने में, तो मान लो अगर आपने आज ये वीडियो देखी तो कल परसों में ही ये अपना सर्टिफिकेट बनने के लिए दे देना। इसमें आपको SDM कोर्ट जाकर ये काम करवाना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं 25% कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपको चाहिएगी फुल इनकम टैक्स रिटर्न की स्लिप। इसमें आपको पेरेंट्स की फुल इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी चाहिएगी। इसमें आप सिंपली अपने पेरेंट्स से बोल देना कि आपने जो इनकम टैक्स भरा होगा उसकी मेरे को रिसिप्ट चाहिए, वो लगानी है। तो इन केस अगर आपका कोई पेरेंट नॉन वर्किंग है, जैसे मेरे केस में मेरी मॉम हाउसवाइफ थी, तो उसके लिए हमें एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा जिसमें SDM की स्टैम्प होगी। ये चीज़ आप किसी भी वकील से बोल सकते हैं, वो इजीली आपके ये बना देगा। एंड हाँ यार, लास्ट डेट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ दिस स्कॉलरशिप इज 31st अप्रैल। तो आप याद से 31st अप्रैल से पहले स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देना। यार डेट में मुझे नहीं पता, कुछ कन्फ्यूज़न भी है क्योंकि हमारी जो IP यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया है उसमें इन्होंने डेट 31st अप्रैल लिख रखी है, और मैंने D2 या फिर पता नहीं कौन से कॉलेज का देखा था तो उसमें डेट लिखी हुई थी 31st मार्च। तो एक बारी ये वाली चीज़ आप अपने कॉलेज वालों से भी कन्फर्म कर लेना। अब मैं यार आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और कैसे कैसे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो सबसे पहले आपको E-District दिल्ली की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और PDF का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से वेबसाइट पर चले जाना। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर अगर आपने पहले रजिस्टर कर रखा है तो वेल एंड गुड, वरना आपको सबसे पहले वेबसाइट पर रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर में कुछ दिक्कत नहीं होती, आपको सिंपली न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। देन सिंपली यहाँ पर आपको आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड से सबमिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप नंबर डाल देना अपने आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड का। देन सिंपली ये करके आप कैप्चा फिल कर देना, तो आपका सिंपली रजिस्टर हो जाएगा। कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आती है रजिस्टर होने में।
और अगर आपने वेबसाइट पर पहले से ही रजिस्टर कर रखा है तो सिंपली आप रजिस्टर यूजर लॉगिन पर जाकर यहाँ पर कर देना, कैप्चा वगैरह भर देना, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली एक ऐसी स्क्रीन दिख जाएगी जो कि आपकी प्रोफाइल होगी, फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले टैब पर क्लिक करना है, देन अप्लाई फॉर सर्विसेज। यहाँ पर आपको सारी सर्विसेज दिख जाएंगी जो भी अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड, तो आपको इसमें जाना है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में। तो इसमें आपको यहाँ 76 नंबर पे सर्विसेज दिखेगी। अब यार ये जो नंबर है 76, ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि स्कॉलरशिप ऐड भी होती रहती है, ख़त्म भी होती रहती है। तो आपको इस स्कॉलरशिप पर जाना है एंड देन सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई बटन। यार मैंने पिछली बार भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था तो मेरी ये सारी डिटेल्स आ गई हैं पहले से ही सबमिट हुई भी, आपके साथ ऐसी नहीं आएगी अगर आप पहली बार ही कर रहे हैं। तो आपको सिंपली ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कि आप ये सारी चीज़ें फिल करोगे, देन आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देना, इतनी कुछ दिक्कत आती नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में। फिर भी अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेरी। और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट है तो आप इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे भी मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दोगे देन सेम डॉक्यूमेंट्स जो आपने यहाँ पर सबमिट करे हैं वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपको अपने कॉलेज में भी सबमिट करने हैं। सबसे पहले आपके कॉलेज वाले आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे, तो जब आपके कॉलेज से आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाएगी तब आपके पास एक मेल भी आएगी ई डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, देन योर डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अगर इस प्रोसेस में कुछ दिक्कत आती है, जैसे कि अगर मान लो आपके एफिडेविट पे SDM या फिर किसी के स्टैम्प वगैरह नहीं है या फिर और कुछ छोटी मोटी गलती आती है, देन आपकी एप्लीकेशन रिवर्ट हो जाएगी कॉलेज को। देन आपके पास मेल आएगी कि योर एप्लीकेशन इज रिवर्टेड बैक टू द कॉलेज, एंड हो सकता है आपके कॉलेज वालों का फ़ोन भी आ जाए आपके पास कि आपके इस डॉक्यूमेंट में ये गलती है, तो प्लीज़ आप ये डॉक्यूमेंट अपना सही कर लीजिए। फिर आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव होने के बाद आपको कुछ महीने बाद दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज या जीमेल पर आ जाएगा कि आपको ऐसे ऐसे यहाँ पर आकर स्कॉलरशिप अपनी लेनी है। मुझे तो यार स्कॉलरशिप लेने के लिए INA बुलाया गया था त्यागराज स्टेडियम में, और बोला तो ये गया था कि CM अरविंद केजरीवाल हमें स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन उस टाइम पर वो आ नहीं पाए, पता नहीं क्या हुआ, तो डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने हमें स्कॉलरशिप दी थी। और यार ये स्कॉलरशिप का मैं पता नहीं था कि पहले डिजिटली दी जाएगी, मुझे लगा कि वहाँ पर हमें मतलब चेक्स वगैरह मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर जाके सबको बोला, एक तो भीड़ इतनी वहाँ पर थी, वहाँ पे सबको बोला कि बैठ जाओ, कॉलेज वाइज वहाँ पे लगे हुए थे कि महाराजा अग्रसेन के बच्चे यहाँ पे बैठेंगे, DTU के बच्चे यहाँ पे बैठेंगे, एक तो इतनी ज़्यादा भीड़, और फिर हमें तो लगा था कि चेक से देंगे तो इसलिए जाना भी पड़ा। लेकिन फिर बाद में जाके यहाँ पे पता लगा वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को वो जो बड़े बड़े चेक होते हैं ना, हाँ वो इन नकली चेक वाले, तो उससे स्कॉलरशिप दी गई, बाकी सारे स्टूडेंट्स के अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफ़र हो गई वो स्कॉलरशिप, और नॉर्मली 3-4 दिन बाद सबके अकाउंट में पैसे आ गए। अब कुछ कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ था कि 2-3 दिन बाद भी पैसे नहीं आए थे, लेकिन वो बहुत कम थे, लेकिन फिर उन्होंने भी बाद में अथॉरिटीज़ वगैरह से बात करी थी तो उनका भी काम हो गया था, मतलब फाइनली सबके अकाउंट में पैसे आ गए थे। यार देखो स्कॉलरशिप के पैसों के लिए आपको वेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं सरकारी काम है, और इस टाइम हमारे देश में सरकारी काम की क्या व्यवस्था है वो आप समझते ही हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सो आई होप आपको ये स्कॉलरशिप अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी और सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क बिलो इन कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो DM me ऑन Instagram और LinkedIn, माई सोशल मीडिया हैंडल्स आर इन डिस्क्रिप्शन, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स। यार इसे अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करो ताकि और भी नीडी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के बारे में पता लग सके और वो फिर बाद में आपको और मुझे दुआएं दें। एंड हाँ यार, इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप इन अ कमेंट बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक सच मोर वीडियोज़ फॉर यू। एंड हाँ यार, आई होप दैट कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। फिर भी आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ एंड ऑल्सो टर्न द बेल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि आगे फ्यूचर में आपसे कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना हो। सो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेवर स्टॉप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।